सवाल तो मैंने बता दिया कि प्रधानमंत्री जी 40 साल बाद कोई प्रधानमंत्री शाहजहानपुर आ रहा है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका स्वागत है, मगर वह यहाँ राजनीति करने ना आए। यहाँ अगर वो आ रहे हैं तो यहाँ की जनता के लिए कुछ दे के जाएं। और जैसे राजीव गांधी जी ने 89 में 700 करोड़ का फर्टिलाइजर प्लांट दिया था जब प्रधानमंत्री के रूप में आए थे, कोई राजनीति करने नहीं आए। अब वो भी आ रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में सरकारी खर्चे पे, तो यहाँ की जनता का भला करके जाएं, यहाँ की बिजली माफ करके जाएं, यहाँ पावर प्लांट लगा हुआ है, यहाँ के किसानों का ऋण माफ करके जाएं। मगर अब तो भाजपा प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, केंद्र के 4 साल पूरे हो गए, अब तो अपना रिपोर्ट कार्ड दें कि भाई तुमने 4 साल में क्या किया, हम तो बाहर हैं। अब ये बताएं 1.5 साल में प्रदेश सरकार ने क्या किया। एक बाईपास नाम उसका रिंग रोड है, मामूली सड़क 1.5 साल में मिली शाहजहांपुर को। कृषि मंत्री यहाँ, एक भी कृषि योजना नहीं आई, ना कृषि विज्ञान केंद्र आया, ना कृषि विश्वविद्यालय आया, ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस आया, ना सिंचाई के नए यहाँ कुछ टेक्निक्स आई, ना यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ाई गई, ना कोई ऐसा मॉडल कोई जिला बनाया गया शाहजहांपुर में यहाँ के किसानों को। अरे कृषि मंत्री होने का फायदा क्या है? मंत्री जी का शाहजहांपुर में आगमन है, 30-40 साल बाद कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, ये पूछिए कि शाहजहांपुर के लिए क्या करेंगे। यहाँ किसान दबा जा रहा है, मरा जा रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? ये राजनीति का वक्त नहीं है, ये वक्त है किसानों के लिए जो डूब रहा है कर्ज में, जो जिनको कुछ भी लाभ इस सरकार से नहीं मिल रहा है, नारों का नहीं। कोई इलेक्शन तो अभी आएंगे तो आपको बताएंगे क्या क्या करना है राजनीति।